हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाह अंसारी। दोस्तों, फायर अलार्म कोर्स के 6th वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि स्मोक डिटेक्टर की और हीट डिटेक्टर की जो स्पेसिंग होती है वो कैसी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, और मैंने बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप जानते हैं मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही बेसिक लेवल से बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ याद है। और एक चीज़ मैं हमेशा अपने वीडियो में बोल रहा हूँ राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, पहले वीडियो से इस कोर्स के नोट्स बनाइए। जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूँ वैसे आप नोट्स बनाइए, या फिर मेरे वीडियोस को सेव करके रखिए, क्योंकि आपको जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे या आप फील्ड पर रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी साबित हो सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो सीखने वाले, जो बात करने वाले हैं, वो हम लोग करने वाले हैं जो स्पेसिंग होती है डिटेक्टर्स की, जो स्पेसिंग होती है, चाहे वो स्मोक डिटेक्टर हो चाहे वो हीट डिटेक्टर हो, क्या उसकी स्पेसिंग होगी। अच्छा, ये सारी स्पेसिंग हम लोग मीटर में करने वाले, यानी जो भी स्पेसिंग मैं ये यूज करूंगा मीटर्स में करूंगा। आप चाहिए तो उसको फिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पर मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि कोई एक यूनिट आप याद रखिए। अगर आप मीटर में याद रखते हैं तो आप मीटर में याद रखिए, अगर आप फिट में याद रखते हैं तो फिट में याद रखिए। कन्फ्यूज मत होइए, इंटरव्यू में अगर आप मीटर भी बोलेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फिट बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है कि कोई एक ही याद रखिए, अच्छे से याद रखिए। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं कि स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर के बीच में कितनी स्पेसिंग होती है वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सीलिंग लेवल से, अगर सीलिंग लेवल की बात करेंगे तो सीलिंग लेवल से क्या स्पेसिंग होगी। देन देखेंगे कि डिटेक्टर को, अगर हम लोग कहीं ऐसी कंडीशन है जहाँ पर डिटेक्टर को वॉल पे इंस्टॉल करना हो रहा है तो क्या होगा, अगर कोई डक्ट आ रही है तो क्या कंडीशन होगी, अगर कोई सॉलिड बीम है तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, डिटेक्टर अगर कॉरिडोर में है तो क्या डिस्टेंसिंग होगी। अच्छा, ये जो मैं डिस्टेंसिंग की बात करने वाला हूँ ये कंप्लीट हम लोग ऑफिस एरिया की बात करें, कोई घर नहीं लेंगे, कोई फैक्ट्री नहीं ले रहे, हम लोग एक नॉर्मल ऑफिस एरिया को कंसीडर करके हम लोग जो है यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन दो स्मोक डिटेक्टर, इन दो स्मोक डिटेक्टर के बीच की क्या स्पेसिंग होगी। अगर हाइट आपकी ऑफिस एरिया की जो हाइट है वो 7 मीटर, यानी आपकी ग्राउंड लेवल से लेके आपकी जो सीलिंग है, अगर उसकी हाइट आपकी 7 मीटर है तो जो स्पेसिंग होगी वो कितनी हो जाएगी दो डिटेक्टर के बीच की, 7.5। याद रहेगा, सिंपल है, यानी अगर 7 मीटर तक की हाइट है। हाँ, अगर आपकी हाइट किसी कंडीशन की वजह से 7 से 10 मीटर के बीच की हो जाती है, यानी हाइट आपकी ग्राउंड लेवल से सीलिंग तक की जो हाइट है, तो आपका जो स्मोक डिटेक्टर की स्पेसिंग है जो पहले 7.5 थी वो रिड्यूस होकर कम हो जाती है और वो हो जाती है आपकी 5 मीटर। क्लियर है, ठीक है, याद रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 7 मीटर तक 7.5 और 7 से 10 के बीच में आ गया तो 5। अब आपके डाउट माइंड में डाउट आएगा कि सर 10 मीटर के ऊपर गया तो 10 मीटर के ऊपर जाता है तो आपको स्मोक डिटेक्टर यूज नहीं करना है, फिर वो बीम डिटेक्टर और अदर दूसरे जो डिटेक्टर है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है, और ऑफिस लाइन में, ऑफिस एरिया में 7 मीटर 8 मीटर तक की जो है रेंज होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हीट डिटेक्टर आ जाता है, अगर हीट डिटेक्टर आता है तो हीट डिटेक्टर की क्या हो जाती है। तो हीट डिटेक्टर में अगर 5 मीटर तक हाइट है तो आपकी 5.3 होगी, और अगर 5 से लेकर हाइट 7 मीटर हो जाती है तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाता है, 3.5। देखिए, जब हाइट आपकी बढ़ती है तो दो डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाता है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेसिंग फ्रॉम सीलिंग, यानी अगर आपका कोई सीलिंग लेवल है, सीलिंग लेवल से अगर आपको कोई डिटेक्टर को इंस्टॉल करना है तो जो हीट डिटेक्टर होगा उसकी जो हाइट होगी वो 25 mm से 150 mm के बीच में होना चाहिए। जो उसकी निडल है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो सेंसिंग एलिमेंट है, सेंसिंग एलिमेंट 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा, यानी अगर 50 mm रहेगा तो भी चलेगा, 100 mm रहेगा तो भी चलेगा। सीलिंग, यानी ये सीलिंग के जो ये सीलिंग है, ये सीलिंग के बेस से लेकर, उसी तरह सेम स्मोक डिटेक्टर में 25 से 600 mm तक का रेंज होना चाहिए, 25 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर रहेगा, स्मोक डिटेक्टर हीट डिटेक्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिटेक्टर माउंटेड ऑन वॉल। अच्छा, कोई कंडीशन की वजह से आपको डिटेक्टर को वॉल पर माउंट करना पड़ा तो उसकी कंडीशन होती है कि अगर डिटेक्टर को आप वॉल पर माउंट कर रहे हैं तो वॉल जैसे वॉल और ये सीलिंग है, जैसे ये वॉल हो गई आपकी, ये वॉल है और ये आपकी सीलिंग है, तो इसकी जो हाइट है और डिटेक्टर की जो सेंसिंग एलिमेंट यानी सेंटर है वो 150 से 300 mm के बीच में होना चाहिए। 150 से, यानी आप एक मोटा मोटा 200 mm पकड़ लीजिए कि 200 mm तक रहेगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो 150 से 300 mm के बीच में, 300 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 150 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेंज आपको यहाँ से नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर कोई डक्ट आ जाता है, डक्ट बोले तो
अपना एसी के डक्ट होते हैं, तो एसी के डक्ट में क्या होता है, कंटिन्यूअसली एयर के मूवमेंट्स, एयर फ्लो होते रहते हैं, कभी कभी क्या होता है उस एयर मूवमेंट में डस्ट भी आ जाते हैं। तो डक्ट से लेके जो आपका डिटेक्टर है, जो डक्ट, जो भी डक्ट होगी, एसी डक्ट होगी और आपका जो डिटेक्टर होगा, इसके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो आपकी 1.5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर या 1.5 मीटर ज्यादा। तो 2 मीटर भी आप रखेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर एज पर स्टैंडर्ड 1.5 मीटर है। अच्छा, ये सारी जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये एज पर NFPA है और इंडियन स्टैंडर्ड है, तो आप बेफिक्र रहिए, बिंदास आप जो है इंटरव्यू में इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं स्पेसिंग फ्रॉम सॉलिड बीम। अच्छा, एक मेरे मुझे वीडियो आते हैं, बहुत स्टार्टिंग में जो वीडियोस बनाया था तो उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दिया था बोलने में, 500 mm है, यानी अभी अभी देखिए, पहले मैं आपको बताता क्या चीज़ बता रहा हूँ। ये जो बीम है ना, बीम से ये स्मोक डिटेक्टर जो है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो वाय है, ठीक है, ये डिस्टेंस 500 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 500 mm। अच्छा, एक वीडियो में मेरे गलती से, बाय मिस्टेक, मैंने 500 मीटर बोल दिया था, तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स उस वीडियो में आज तक देखने को मिल रहा है, मैंने पिन भी किया हुआ कमेंट में कि वो रॉन्ग है, तो वो 500 mm है, मीटर नहीं है। तो आप याद रखिए कि अगर कोई बीम आ जाती है, सॉलिड बीम आ जाती है, तो उस बीम से लेके स्मोक डिटेक्टर का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 500 mm। ओके, क्लियर है। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर कोई कॉरिडोर आ गया, यानी आप देखेंगे ऑफिस एरिया में, ऑफिस में कॉरिडोर होता है, लिफ्ट लॉबी वगैरह हो जाती है ना, मीटिंग रूम्स के बीच में कॉरिडोर होता है, तो कॉरिडोर अगर आ जाता है, तो कॉरिडोर 2 मीटर 2.5 मीटर का जो डिस्टेंस होता है, तो इसमें एक स्मोक डिटेक्टर से दूसरे स्मोक डिटेक्टर की जो स्पेसिंग होती है वो हमारी होती है 15 मीटर, यानी 15 मीटर की डिस्टेंसिंग होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, और इस छोटे से वीडियो में बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए, या इस वीडियो को सेव कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि अभी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो एक बार आप इसको देख लेंगे ना, तो आप कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये सारी जो यूनिट्स है मैंने मीटर में लिए, तो आप एक ही चीज़ में याद रख लीजिए, अगर फिट में याद रखते हैं तो आपको उसको फिट में याद कर लीजिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मीटर में याद कीजिए, आपको बहुत ही ईजी और आसान तरीके से दोस्तों याद हो जाएगा। उम्मीद कर दोस्तों मैंने मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। इस वीडियो के रिलेटेड या किसी और वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके आपके कमेंट्स के आंसर देने की। और मेरी जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ 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 मेरी सीरीज के जो वीडियोज़ है वो आपके फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, उस ग्रुप में आप शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा से लोग जुड़ सकें। और जुड़ने के साथ साथ आप उन्हें बताइए कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस जो है फायर अलार्म सिस्टम से रिलेटेड अपलोड करते रहता हूँ, चाहे कमिश्निंग से रिलेटेड हो गए, चाहे ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड हो जाए, या फिर आपके कमेंट्स के रिलेटेड, तो बहुत सारे वीडियोस मेरे आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।